Hello kids, how are you? I hope all of you fine. Now it's time to EVS class. Today we are going to read lesson 6, water. So firstly we will mention here reading today's date. Let's start reading. We all need water. It is one of our basic needs. हम सभी को पानी की आवश्यकता होती है. इट इज़ वन ऑफ आर, ये हमारी आधारभूत आवश्यकताओं में से एक है. रिसाइट द राइम इन क्लास, इस क्लास में इस राइम को रिसाइट कीजिए. वाटर इज़ प्योर, वाटर इज़ नेचुरल, वाटर इज़ हेल्दी, वाटर कैन हेल्प ऑल. वाटर इज़ सिंपल, वाटर इज़ फ्री, वाटर कैन हेल्प द लाइफ्स ऑफ यू एंड मी. स्टूडेंट यू विल लर्न दिस राइम ऑन वाटर. Now next, we use water for different activities. हमें अलग अलग कामों को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. जैसे कि first drinking, bathing, washing clothes, cleaning floor, cleaning utensil, cooking, putting out fire, transportation. हमें अलग अलग गतिविधियों को काम करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता थी, जैसे पानी पीने में, नहाने में, कपड़ों को धोने में, फर्श साफ करने में, बर्तन धोने में, खाना बनाने में, आग बुझाने में, ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए. प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो, पौधों को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. एनिमल्स नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग, और जानवरों को पानी पीने और नहाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, हमें अलग अलग स्रोतों से पानी मिलता है. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, और सबसे वर्षा मतलब पानी का मुख्य स्रोत है. तो ट्राई टू डू फाइंड आउट द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर फ्रॉम दिस क्रॉसवर्ड. तो इस क्रॉसवर्ड में हमें वेरियस सोर्सेज बताए गए वाटर के. फर्स्ट है रेन, RAIN, रेन. सेकेंड रिवर, RIVER, रिवर. थर्ड लेक, LAKE, लेक. फोर्थ स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम. फिफ्थ वाटरफॉल, WATER, वाटर. FALL, फॉल. सिक्स्थ इज पॉन्ड, POND, पॉन्ड. तो स्टूडेंट दीज आर द वेरियस सोर्सेस ऑफ वाटर. When it rains, some water goes under the ground. जब वर्षा आती है तो कुछ पानी हमारी ज़मीन में चला जाता है. We get underground water from, हम underground ज़मीन का पानी कैसे निकालते हैं? कुओं से, ट्यूबवेल से, हैडपम्प से. Next, do you know, sea water cannot be used for drinking and watering the plants and because it is salty. Sea water जो है उसको हम पीने में, नहाने में इसको पानी का यूज़ नहीं कर सकते, ना ही पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि यह नमकीन होता है. नेक्स्ट इम्प्योर वाटर, वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स इज़ नॉट क्लीन. जो पानी नदियों, तालाबों, झीलों में रहता है वो पानी साफ नहीं होता है. इट इज़ मेड इम्प्योर, इसे अशुद्ध कर दिया जाता है बाय इन कारणों की वजह से. अब वो कारण क्या है? फर्स्ट वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, क्योंकि लोग उसमें कपड़े धोते हैं. पॉन्ड, लेक, रिवर में कपड़े धोते हैं तो वो पानी गंदा हो जाता है. एनिमल बाथिंग इन वाटर, एनिमल्स जानवर भी पानी में नहाते हैं तो भी वो पानी गंदा हो जाता है. वेस्ट प्रोडक्ट थ्रोन इन टू द वाटर, और वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको वाटर में फेंक दिया जाता है जिससे कि वो पानी गंदा हो जाता है. नेक्स्ट प्योर वाटर, सम टाइम्स टैप वाटर बिकम्स डर्टी इन द रेनी सीजन. कभी कभार नल का पानी भी वर्षा के मौसम में गंदा हो जाता है. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर मेक अस सिक, गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर, हमें हमेशा स्वच्छ पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए. वी मस्ट ड्रिंक एटलीस्ट 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, हमें प्रतिदिन 7 से 8 ग्लासेस पानी पीना चाहिए. देर आर मैनी वेज टू प्योरीफाई वाटर एंड किल जर्म्स, यहाँ पर बहुत से तरीके हैं
पानी को शुद्ध करने के लिए, जिससे जर्म्स को मारा जा सकता है, जैसे कि बॉइलिंग वाटर, वाटर को बॉइल करके, यूजिंग इलेक्ट्रिकल वाटर प्योरीफायर, वाटर फिल्टर, इनका यूज़ करके हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। वेज टू सेव वाटर, यूज़ एज मच वाटर एज यू नीड, अधिक से अधिक मात्रा में पानी का यूज़ करना जितनी की आपको ज़रूरत हो। क्लोज द टैप आफ्टर यूज़, नल को बंद कर देना यूज़ के बाद। प्रिवेंट लीकेज फ्रॉम टैप्स एंड पाइप, टैप्स और पाइप में अगर लीकेज है तो उसे मरम्मत करवाना, सही करवाना। वैली वॉइस, वाटर इज लाइफ, वी मस्ट सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, सेव वाटर सेव लाइफ, पानी जीवन है, हमें पानी की एक एक बूंद को बचाना चाहिए, क्योंकि हम पानी को बचाएंगे तो ही हम जिंदगी को बचा पाएंगे। लेट्स रिमेंबर, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जस्ट लाइक यू, वाटर सभी के लिए महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए। वाटर इज़ नीडेड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, पानी का यूज़ अलग अलग गतिविधियों को करने के लिए किया जाता है। वी गेट वाटर फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, और हमें अलग अलग स्रोतों से पानी मिलता है। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, और हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन 6। आई होप डू यू वेल अंडरस्टैंड। नाउ इट्स ऑफ टाइम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।